पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंद केवल ऑपरेटर वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और ट्राई को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सभी केवल टीवी नेटवर्क से जुड़ा व्यापार करते हैं और मुरादाबाद में स्थानीय फ्रेंचाइजी ऑपरेटर हैं, जिनकी संख्या 200 से 250 के बीच है। सभी फ्रेंचाइजी केवल ऑपरेटर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग MSO के द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नल के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं। वर्तमान में सभी केवल ऑपरेटर 150 से 200 रुपए लेकर उपभोक्ताओं को 354 चैनल दिखा रहे हैं, किंतु अब ट्राई के नए कानून की वजह से उपभोक्ताओं और दर्शकों के लिए चैनल की संख्या घट जाएगी, जिसके कारण हमारे उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाएगी और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, जिस कारण से कई केवल ऑपरेटर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए सभी ने मांग की है कि कानून में बदलाव किया जाए और सभी के हितों को ध्यान में रखा जाए। मेरा नाम योगेश कुमार है। हम सब लोग स्थानीय फ्रेंचाइजी केबल ऑपरेटर हैं। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि ट्राई ने एक काला कानून हमारे ऊपर लाद दिया है, जिसमें कि हर चैनल की MRP अलग अलग निर्धारित है। जैसा कि जी की 19 रुपये, स्टार की 20 रुपये या कोई भी चैनल एक बुकेज में आएगा। आज की डेट में हम सारे उपभोक्ताओं को 175 से लेकर 300 रुपये तक के पैकेज में सारे चैनल उपलब्ध करा रहे हैं। 325 चैनल उपलब्ध करा रहे हैं, यानी 1 रुपया पर चैनल लेते हैं। लेकिन इस कानून को लागू होने के बाद हमें हर चैनल के पैसे उपभोक्ताओं से अलग अलग लेने पड़ेंगे, यानी 375 चैनल के पैसे अलग अलग लेने पड़ेंगे, जो कि उपभोक्ताओं के लिए बहुत महंगा बैठेगा। इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस कानून को परिवर्तित किया जाए और इसमें संशोधन किया जाए। इस कानून को संशोधन करके दोबारा से लागू किया जा सकता है, इसलिए हम निवेदन करते हैं इस कानून को संशोधित किया जाए।